देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध। मथुरा धर्मनगरी वृंदावन में एक युवती के साथ गैंग रेप के रूप में शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये गैंग रेप पॉश कॉलोनी में स्थित प्रेम धाम आश्रम के नाम से संचालित गेस्ट हाउस में हुआ है। घटना के संबंध में दिल्ली की रहने वाली पीड़ित युवती द्वारा कोतवाली में तहरीर देकर दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार की रात वो लगभग 10 बजे किसी वाहन के इंतजार में हाईवे स्थित भरतपुर मोड़ पर खड़ी हुई थी। इसी दौरान एक कार में सवार तीन युवक वहां आए और उसे लिफ्ट देने के बहाने वृंदावन के चैतन्य विहार इलाके में एक गेस्ट हाउस में लेकर पहुंचे। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, आरोपी युवकों के दो तीन साथी और वहां आ गए। इसके बाद उन लोगों ने उसके साथ जबरन बारी बारी दुष्कर्म किया। सुबह होते ही वे लोग उसे गेस्ट हाउस पर ही छोड़कर भाग गए। वहीं पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर गेस्ट हाउस का स्टाफ और आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर ओम प्रकाश रामेश्वर, मोनू तथा दो तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही गेस्ट हाउस और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से मनोज सिरोही की रिपोर्ट। हम लोग पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? एक पीड़िता ने 376 की तहरीर दिया है, जिस पर तीन लोगों को उसने नामजद, दो लोगों को अज्ञात पे तहरीर दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। किस लिए यहाँ पीड़िता आई थी, क्या कुछ पता चला है अभी तक? पीड़िता ने 376 की तहरीर दिया है दुष्कर्म की, उसके साथ उसकी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दो लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बताया जा रहा है लड़की को मथुरा से लाए थे गाड़ी में। अरे कहाँ का मामला है? वृंदावन का है, प्रेमधाम होटल के बारे में बताया है। आप देख रहे हैं